अमेजिंग इन्फो यूट्यूब चैनल के मौजूद नाजरीन, हमारी दुनिया में मौजूद हर कौम, हर कबीले, हर मुल्क, हत्ता के हर मजहब के लोगों में दुल्हन यानी बीवी को मुकद्दस रिश्ता तसव्वुर किया जाता है। यही वजह है कि हर मजहब के अलावा हर कौम कबीले में भी शादी का कोई ना कोई तरीका कार मौजूद होता है। फिर चाहे बात की जाए इस्लाम की, बुद्ध मत की, हिंदुइज्म की, ईसाइत की या फिर यहूदियत की, मगर अफसोस कि आज भी दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां न सिर्फ शादी की इंतहाई अजीबो गरीब, घटिया और मुनफरिद रस्में चली आ रही हैं, बल्कि दुल्हनों को खरीदने और बेचने का कारोबार भी अपने अरूज पर है। लिहाजा नई नवेली दुल्हनों की खरीदो फरोख्त को जहन में रखते हुए आज आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अमेजिंग इन्फो आप लोगों को उन ममालिक के बारे में बताने जा रहा है जहाँ दुल्हनें बाकायदा तौर पर बेची जाती है। इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूँ, आप सबसे गुजारिश है कि ऐसी ही मुनफरिद मगर दिलचस्प मालूमात पर मबनी वीडियोस देखने के लिए अमेजिंग इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की घंटी पर भी क्लिक कर लें। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर एक, थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड वो मुल्क है जिसे आलमी जनसी सियाहत का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा चकला करार दिया जाता है। यानी थाईलैंड वो मुल्क है जहां लोग खास तौर पर अपनी जिनसी लज्जत पूरी करने के लिए जाते हैं। एक और अहम बात यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग जिनसी सियाहत के लिए थाईलैंड का रुख इसलिए करते हैं क्योंकि गुर्बत से मजबूर यहाँ की खूबसूरत मगर कम पढ़ी लिखी लड़कियाँ सस्ते दामों बिकने के लिए मुयसर होती हैं। यही वजह है कि थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया का दुल्हने बेचने वाला सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। हैरत की बात तो यह है कि थाईलैंड के लोगों को नई नवेली दुल्हनों के रूप में अपनी बहनों बेटियों को बेचना एक आम कारोबार लगता है। तभी तो यूरोप की बहुत सारी एजेंसियां यहाँ की लड़कियों को खरीद कर अपने मुल्क में सस्ती बीवियों के तौर पर इम्पोर्ट करती हैं, क्योंकि यूरोपीय मर्द थाईलैंड की लड़कियों को इनके अच्छे किरदार और खास तौर पर थोड़ी रकम में भी गुजारा करने की बाकमाल खूबी की वजह से बेहद पसंद करते हैं, जबकि थाईलैंड की लड़कियां भी पैसों के बदले यूरोपीय लड़कों की दुल्हन बनना पसंद करती हैं। नंबर दो, कोलंबिया। दुल्हने बेचने वाले मुल्कों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर कोलंबिया आता है। वाज़ह है कि कोलंबिया को बरेआज़म अमेरिका में खूबसूरत औरतों का मुल्क समझा जाता है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ अपनी जिस्मानी साख्त के बाइस बेहतरीन दुल्हनों के लकब से मशहूर हो चुकी हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ अरसे में कोलंबिया की दुल्हनों की खरीदो फरोख्त की डिमांड में रिकॉर्ड हद तक इजाफा देखने में आया है। मगर अफसोस इस बात का है कि कोलंबिया में न सिर्फ सरेआम दुल्हने बेची जाती है बल्कि यहाँ की कम उम्र लड़कियाँ खुद अपने आप को बेचने के लिए मार्केट में पेश करती है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि कोलंबिया में मर्दों की निस्बत लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है, जबकि जुल्म दर जुल्म ये कि यहाँ क्राइम की शरह ज्यादा होने की वजह से अक्सर मर्द जेलों में बंद होते हैं, जिसके बाइस यहाँ की नौजवान लड़कियों को अपने लिए मुनासिब लड़का ढूंढना जरूरत से ज्यादा मुश्किल होता है। रही सही कसर यहाँ की खराब माशी सूरत हाल पूरी कर देती है। यही वजह है कि यहाँ की लड़कियाँ मुख्तलिफ ममालिक के मर्दों की नई नवेली दुल्हन बनने के लिए सस्ते दामों फरोख्त होने पर अपनी खुशी से रजामंद हो जाती है। नंबर तीन, बल्गारिया। क्या आपने कभी दुल्हनों की खरीदो फरोख्त के लिए सरेआम मेले के बारे में सुना है? जी नाज़रीन, हैरानगुन तौर पर यह मेला बल्गारिया में लगता है। याद रहे, दुल्हनों और नौजवान लड़कियों को बेचने के लिए साल में चार दफा मेला लगाने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क कोई और नहीं बल्कि बल्गारिया है। ये वो मुल्क है जहाँ नई नवेली दुल्हने बेचने के लिए बाकायदा तौर पर मार्केट्स भी बनाई गई है। शर्मिंदा कर देने वाली बात यह है कि इन मार्केट्स में कंवारी लड़कियों की बोलियां लगाई जाती हैं, जबकि मेले में नौजवान लड़के और मर्द हजरात अपनी बीवी का इंतखाब करने जाते हैं। कहा जाता है कि दुल्हनों की फरोख्त के इस मेले में शामिल होने वाली ज्यादातर लड़कियां एक आर्थोडॉक्स खाना बदोश कबीले कालाजई से ताल्लुक रखती हैं। बालिग होने पर इस कबीले की लड़कियों को जबरदस्ती दुल्हनों की फरोख्त के इस मेले में शिरकत के लिए लाया जाता है। इनमें से जिन लड़कियों की जिल्द सफेद, नाक तीखा, आंखें नीली और मोटी, जबकि जिस्मानी फिगर स्लिम स्मार्ट होता है, उन्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत करार दिया जाता है। ऐसी दिलकश और दिल को मोह लेने वाली पुरकशिश दुल्हन की कीमत 10,000 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा लगाई जाती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 25 लाख रुपए से भी ज्यादा बनती है। नंबर चार, जनूबी अफ्रीका। सस्ते दामों दुल्हने और कंवारी लड़कियां बेचने वाले ममालिक का जिक्र हो और जनूबी अफ्रीका का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनूबी अफ्रीका में एक नहीं बल्कि कई कबीले ऐसे हैं जहां दुल्हने खरीदी और बेची जाती हैं। यही वजह है कि अफ्रीका के नौजवान लड़के और मर्द शादी के लिए मनपसंद कंवारी लड़की को अपनी दुल्हन बनाने के लिए खरीदते हैं, मगर इन कबीलों की एक मुश्तरका और खास बात यह है कि दुल्हन खरीदने वाले को लड़की के बाप को उनकी जबान में खत लिखना होता है, जिसके बाद उस लड़की का वालिद उस लड़के को एक मुकर्रर दिन पर बुलाता है। यूं लड़की
का खरीदार मुकर्रा दिन अपने दोस्तों के साथ लड़की के घर जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जनूबी अफ्रीका की खूबसूरत से खूबसूरत तरीन हसीना से शादी करने के लिए भी ज्यादा पैसों की नहीं बल्कि सिर्फ एक गाय खरीद कर लड़की के बाप को देने की जरूरत होती है। दुल्हन खरीदने का ये अमल यहीं पर खत्म नहीं होता बल्कि लड़के को 3 महीने के बाद जनूबी अफ्रीका के कौमी लिबास में दुल्हन को लेने के लिए नाचते और गाते हुए जाना पड़ता है और फिर रश में से होते हुए अपनी होने वाली बीवी तक पहुंचकर उसको ले जाना होता है। नंबर 5, जापान। एटम बम की तबाही का शिकार हो जाने के बाद जापान वो मुल्क है जो आज भी पूरी दुनिया में अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर है। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जापान में भी नौजवान लड़कियों और खास तौर पर नई नवेली दुल्हनें खरीदने और बेचने का कारोबार कदीम जमाने से चला आ रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जापान में सिर्फ चंद महीनों और चंद दिनों के लिए ही नहीं बल्कि चंद रातों की आर्जी शादी के लिए भी दुल्हनें बेची जाती हैं। जबकि तारीख हमें ये बताती है कि जापान में दुल्हनें खरीदने और बेचने का कारोबार 1860 में शुरू हुआ जो कि बदकिस्मती से आज भी जारी है। नाकाबले यकीन बात तो ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जापान में ये कारोबार अपनी नई बुलंदियों को छूता जा रहा है। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि आज जापान में जिंदगी इस कदर मसरूफ है कि अक्सर मर्द अकेले होने की वजह से सिर्फ इसलिए लड़कियों को किराए पर लेते हैं ताकि जब वो काम से वापस आए तो घर पर उन्हें वेलकम करने के लिए कोई मौजूद हो ताकि उनकी सारी थकावट दूर हो सके। नंबर 6, ब्राजील। रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां और आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क होने का एजाज रखने वाला ब्राजील वो मुल्क है जिसके बगैर फुटबॉल का खेल नामुकम्मल है क्योंकि ब्राजील के बगैर फुटबॉल की तारीख ही मुकम्मल नहीं होती। लेकिन ये जानकर आपको हैरत का बड़ा धचका लगेगा कि ब्राजील भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहाँ आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी दुल्हने बेचने का कारोबार किया जाता है। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि गुर्बत और बेरोजगारी ये वो दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्राजील की खूबसूरत लड़कियां हर वक्त अपनी मासूमियत सस्ते दामों बेचने के लिए तैयार रहती हैं ताकि किसी भी तरह गुर्बत से बाहर आ सकें। जबकि मुख्तलिफ ममालिक के लोग ब्राजील की लड़कियों को इसलिए खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि ये खूबसूरत होने के अलावा बेहतरीन जिस्मानी फिगर के साथ जज्बात से भी भरपूर होती है। तभी तो ब्राजील की लड़कियां हर चीज को पीछे छोड़कर अपने खरीदार को खुश करने के लिए हर हद तक जाती। ब्राजीलियन लड़कियों की एक और खूबी ये है कि ये अपने खरीदार की बहुत ज्यादा इज्जत भी करती है। नंबर 7, डोमिनिक रिपब्लिक। दुल्हनों की खरीदो फरोख्त करने वाले मुल्कों की लिस्ट में शामिल डोमिनिक रिपब्लिक वह मुल्क है जहाँ की लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बेहतरीन कुकिंग, जाफिशानी, बेजा पुरकशिश खूबसूरती, बेहतरीन रवैये और कभी खत्म ना होने वाली जिंसी शहूद की वजह से बेहद मशहूर है क्योंकि ये एक वाहिद कैरेबियन रियासत है जहां कोई भी मर्द अपनी पसंद की बीवी इंतहाई कम पैसों में खरीद सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यहां की लड़कियों को 15 साल की उम्र में शादी की इजाजत दी गई है। यही वजह है कि यहां की लड़कियां अपनी 15वीं सालगिरह को इंतहाई धूमधाम और जोशो जज्बे के साथ मनाती हैं। लड़कियां ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वो अपने इर्द गिर्द सबको बता सके हम शादी की मार्केट में बिकने के लिए तैयार हैं। इस तरह 15 साल लड़कियों को शादी की मार्केट में बेचने के लिए ले जाया जाता है जहां मर्द इन्हें हाथों हाथ खरीद लेते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के वो ममालिक जहां दुल्हनों की खरीदो फरोख्त का सरेआम कारोबार किया जा रहा है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।